जहां राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था, जिसकी सुनवाई पूरी हो चुकी है और कोर्ट ने कहा कि अब किसी भी प्रकार का कोई भी साक्ष्य कोर्ट के समक्ष नहीं आएगा। आपको बताते चलें कि यह मामला पिछले कई वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था, अब सिर्फ कोर्ट का फैसला देना बाकी है। इसी कड़ी में शिवसेना के प्रदेश उप प्रमुख अभय द्विवेदी ने कहा कि जल्द ही राम मंदिर का भव्य निर्माण होगा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि अगर राम मंदिर निर्माण होता है तो पहला सी हिट शिवसेना लगाने का काम करेगी। इसी कड़ी में कहा कि हिंदू महासभा के अध्यक्ष कमलेश तिवारी पर जो गोली मारकर जानलेवा हमला हुआ है वह बहुत ही निंदनीय है और उसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वह हम सब लोगों के लिए सर्वोपरि होगा, चाहे वह किसी के पक्ष में भी हो। भाजपा और शिवसेना का गठबंधन है वह हमेशा कायम रहेगा और महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर कहा कि भाजपा और शिवसेना चुनाव एक साथ लड़ेंगे। और यदि दिल नहीं मिलता तो साथ में क्यों लड़ते हैं? इसी से लगता है जैसे पिछले चुनाव में भी हुआ था, जब दिल नहीं मिले लोग बाहर गए, अब की बार उनका दिल भी मिल रहा है और जो एजेंडा है वो भी लगभग लगभग मिल रहा है लोग दोनों लोगों का, और दोनों लोग साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, किसी भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और अभी आज भी हमारे माननीय उद्धव साहब ठाकरे की रैली माननीय मोदी जी के साथ में थी, तो दोनों लोग साथ में हैं, साथ में काम कर रहे हैं, साथ में सरकार बनाएंगे। क्योंकि देखा जा रहा है जो महाराष्ट्र में जो होल्डिंग्स वगैरह लगी चुनाव के कैंडिडेट की, लेकिन उसमें कहीं उद्धव ठाकरे जी की कहीं कोई फोटो या कोई इस तरह का कोई प्रचार पर नजर नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं है, लगातार जो है हर जगह पे रहता है, कोई कार्यक्रम रहता है उसमें भी दोनों लोगों की फोटो रहती है, एक साइड भाजपा की सारी फोटो रहती है, एक साइड शिवसेना की रहती है, दोनों दल है, दोनों साथ में मिलकर लड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि हाथ तो मिला लिया मगर दिल नहीं मिला, कहने को तो लोग कुछ भी कह सकते हैं, प्रजातंत्र है, सब लोग स्वतंत्र है, कुछ भी कह सकते हैं। करना ना भूलें।